आज किशोर पीपीटी जी ब्लास्ट बोल रहे हैं। हेलो स्लाइड दिख रही है जी सर जी। हाँ क्लियर है बिल्कुल। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है जी। क्या रहा है बता सकते हो कोई? हाँ सर। क्या रहा है बताओ? आशफी की आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर। क्या देख रहे हो आप? सर आपको देख रहे हैं और आपके पीछे खिड़की है, सब कुछ दिख रहा है सर। अरे खिड़की नहीं यार, और बैकग्राउंड में क्या आ रहा है? स्लाइड आ रही है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यस सर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और मोनोगैस्ट्रिक एंड रूमिनेंट एनिमल। चलो मोनोगैस्ट्रिक एंड रूमिनेंट एनिमल। बिल्कुल ठीक है। हाँ सर आ गया। ठीक है, ऐसा है ना कि लोग धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग अब कोशिश करो कि सारे लोग अनम्यूट हो जाओ। हाँ सारे लोग अनम्यूट हो जाओ। ओके ओके। और एक बार जिससे जब कुछ पूछेंगे या फिर किसी को कुछ पूछना होगा तो वो फिर मतलब म्यूट हो जाओ, उसका अनम्यूट करना और फिर पूछना। सारे लोग म्यूट हो जाओ। तो बेसिक्स जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, एक बार उसको जस्ट एक फिर से शुरू कर रहे हैं। दस मिनट और लेंगे, और कुछ बच्चे ऐड हो रहे हैं फिर उसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी। हाँ कुछ बच्चों को फिर नया नया मिलेगा, मुश्किल होगी थोड़ी सी। चलो टेल टाइम 27 बच्चे आ गए हैं। Most on the morning time when we are making the morning. Good morning. Pranam sir. Pranam pranam. ठीक है संतोष, सर्विस चल रहा है तुम्हारा? नेटवर्क आ रहा है अभी? नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। नहीं नहीं चलो ऑडियो भी चलेगी तो हो जाएगा। ठीक है सर, रुक रुक के आ रहा है। नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं है, है ना? अभी इस इमरजेंसी के कंडीशन में कोशिश करते हैं कि इतना बढ़िया हो सके। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। हाँ इन द वेरी मॉर्निंग व्हेन वी कनेक्टेड एट दैट टाइम द पार्टिसिपेंट्स वर 28 और 29 लाइक दिस एंड अप टू दिस टाइम वी हैव ऑलरेडी 29 पार्टिसिपेंट्स। ओके so I think we should start from now. So before initiating the PPT, you must follow one rule. Just ensure to make unmute, okay? Whenever you are required. Otherwise, just put it in the mute one. जैसे कहीं चिड़िया बोल रही है, कहीं कुछ बोल रही है, वो थोड़ी सी वो शांत हो जाएगी तो सारे बच्चे। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। थोड़ी नेटवर्क इश्यू होगी, धीरे धीरे कोशिश करो, हो जाएगी। ठीक तो
we have already discussed on the digestive system. So the basic thing is that in the animal system, digestive system is, you can say, divided in two parts. The first one, the animal who have the single stomach. And the other one, the animal, they have four compartments in their stomach. That is the ruminant animals. Okay. So basically we have monogastric and the ruminant animals. So you all know very well that monogastric animals, those animals come which have the single stomach. And the ruminant, they are comprised of four chambers. That is a rumen, reticulum, omasum, and abomasum. So in this condition, the abomasum is act, it always acts as a true stomach. अगर किसी बच्चे को ठीक से आवाज नहीं आ रही है तो वो एक बार क्लिक कर सकता है अदरवाइज ट्राई टू मेक इट साइलेंटली तुम्हारी आवाज आ रही है ठीक है मेरी आवाज सुन सकती हो सर इज आस्किंग समथिंग यस सर आ रही है ओके वेरी गुड आशफी Yes, sir. आ रही है आपकी चलो वेरी गुड अनुप्रिया क्लियर है आवाज यस सर अभी आ रहा है रुकना रहे ठीक है आवाज यस सर लेकिन इको गुंज टाइप कर रहा गुंज रहा जैसा बस सर आपकी क्लियर आवाज आ रही है सर हेलो Your microphone is on. What is the level of sound then? Now is it clear or? पहले से कुछ बढ़िया हुआ? Still the participants are logging in, you know. Anyway, आवाज clear है? Yes, sir. Well, so we were talking about the digestive tract, digestive system of various animals. So, under the monogastric animals, the oral cavity is divided into lips and muzzle, As you can see. All of them are very clear in our video. Visual is okay? Yes, sir. Okay. सारे लोग focus करो जो running material है उसको किसी की शक्ल देखने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी बता रखा है आपको चिक्स दिस यार ये कहां से पीछे से कर रहा है इसकी आवाज आ रही है देखो जहां प्रॉब्लम क्या गाय बोल रहा है और थोड़ा म्यूट कर लो सारे लोग म्यूट कर लो सारे बच्चे म्यूट कर अरे यार म्यूट करो ना सर गाय का ही आवाज आ रहा है चलो यहां से हमने अब सारे को म्यूट कर दिया है ठीक है अब जिसे जरूरत होगी वो खुद म्यूट करेगा अनम्यूट करेगा सॉरी फिर से करो ओके
So the basic things, the organs which involve in the digestive tract and under the monogastric animals, that are the cheek, tonsil, tongue, pharynx, esophagus. Okay, so these things, these organs are held in the digestion of any food materials which the animal takes. So basically the monogastric animal stomach consists of cardia, fundus, body and pylorus, while the polygastric animal stomach consists of rumen, reticulum, omasum and abomasum. Is it clear? So these rumen, these helps in the fermentation, digestion and absorption of various products, especially the end products that comes under the, that is comes in the volatile, the form of volatile fatty acids. And these यार तुम लोग के चक्कर में हम ही लग रहे हैं निकल गए थे नहीं anyway, अब क्लियर है स्लाइड दिख रही है वीडियो नहीं आ रहा है सर ओके 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 नो सर आ जाएगी नो सर आ जाएगी वीडियो अभी आ जाएगी ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है मेरी भी नेटवर्क थोड़ी सी अनस्टेबल है अब ठीक है राजकिशोर क्लियर है आवाज जी आ रही सो दिस इज अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ ओके यू कैन सी द डिफरेंट सैक्स ऑफ रुमेन the reticulum, omasum and abomasum. What it? So this slide shows the different animal stomachs. Four-chambered cow stomach and the three-chambered poultry digestive tract. This is another symmetric diagram by which we can see the digestive tract of of herbivorous animals. So how it acts? These animals chew the food. They just prehension. They take the prehension. Prehension. You know the act of prehension. That is by the act by which the animal take the feed into. Okay. Food. They used to masticate. ऐसे समझो पहले ये खाना खलीती है ना जो पिक करती है फीड मटेरियल दैट इज द प्रीहेंसन इसके बाद अपने मजल टंग टिथ चिक के हेल्प से ये क्या करती है मास्टिकेट करती है क्यू करती है मास्टिकेट करती है देन आफ्टर ये इसको अपने अंदर मतलब बिल्कुल इनगल्फ कर लेती है ठीक है इनगल्फ करने के बाद क्या है फिर ये रूमेन में जाकर वहां जमा हो जा रहा है ठीक है वो सबमिशन फिर हो रही है क्या हो रही है वो रीगर्जिटेट करती है रीगर्जिटेट मतलब वापस फीड मटेरियल को च्यू करने के लिए वापस लेके आती है फिर वहां से सर आवाज क्लियर नहीं है कुछ बच्चों के साथ परेशानी है ठीक है ये उनका नेटवर्क का इश्यू होगा थोड़ा सा पेशेंस रखो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा
अब ऐसे समझो कि एक बार जब बोल रहा है कोई ना, बीच बीच में जब जाओगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो अगर किसी के साथ प्रॉब्लम हो रही है स्ट्रेटी, तो थोड़ा सा वो बर्दाश्त करे, थोड़ा सा, ठीक है। जब तो नेटवर्क मिल जाएगा प्रॉपर तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो पीयूष। आवाज क्लियर आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर। क्या हुआ अभी? थोड़ा ना इस टाइप से थोड़ा सा, मतलब क्या बोलो, यूज्ड टू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। इससे पहले किसी ने आउटपुट लिया है या नहीं? अभी लिया हुआ था फाइल पे। जी सर आउट ठीक आ रहा है। हां बच्चा आएगा, ठीक आएगा। यार इससे पहले और किसने क्लास लिया है सर? ये टाइमिंग तो रवि रंजन सर का सर। आगे कैसी थी क्लास? ठीक था सर, उनका तो चल रहा था। मतलब ये भी ठीक है सर, ऐसे ही चल रहा था उनका भी। ये थोड़ा कट के नेटवर्क इशू हो ही रहा था। हेलो, थोड़ा सा बैकड्रॉप में ना आवाज, थोड़ा सा कोशिश करो ठीक करने का। जो भी है बच्चे, मतलब म्यूट हो जाओ, जब जरूरत पड़े तो अनम्यूट होना, ठीक है। तो क्या बोलिए? चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं ना। जैसे अभी प्रिहेंशन बताया ना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फीड एंड वाटर इनटेक बाय एनिमल्स, है ना, बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट। ये यार थोड़ा सा देखो किसके पास पीछे बैकग्राउंड कौन सा म्यूजिक आ रहा है। थोड़ा बच्चा ध्यान दो, किसका किसके पास आ रहा है। अभी शांत हुआ था फिर आ गया। थोड़ा सा कोशिश करो उसको रोकने का, वो थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। नबीहा तुम्हारा है सर, वो पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाके देखिएगा ना, तो पता चल जाएगा कहाँ से साउंड आ रहा है। अरे यार वो हम देखे किया नहीं, नहीं देखो बाबू, अब ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अपने आप को चेक करो, ठीक है। yes, अपना सराउंडिंग जो है उसको ठीक करना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर हाँ हाँ बोलो। सर थोड़ा आवाज कट कट आ रहा। कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा बर्दाश्त करो, वो पेशेंस रखो, ठीक है। वो जैसे नेटवर्क सही मिलेगा ना, वो आवाज आ जाएगी क्लियर। कभी पिक्चर जाएगी, आपका नेटवर्क खराब है सर का, सही है सर का, आवाज सही आ रहा है। हाँ नहीं, कुछ लोगों को आ रही है, मेरी भी बीच में दो बार मेरी भी, हमने भी वो डिस्कनेक्ट हो गया, फिर कनेक्ट कर दीजिए। yes, वो कोई बात नहीं है, वो कोशिश करते रहो। अगर कहीं कोई जाता है तो हम फिर से उसको एडमिट कर लें, ठीक है। सर इसे कटम कुटम क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं ये रसू, अरे यार तो अपने अपने माइंड म्यूट कर दो ना। बस दो लोग हैं जिनका माइक ऑफ नहीं है, एक है बॉस है और एक ग्रुप हम मैम। देखो एक साथ हम दोनों चीज नहीं मेंटेन कर सकते हैं, आइदर हम या तो मतलब स्लाइड को मैनेज कर सकते हैं या आप लोगों को मैनेज कर सकते हैं। वेरी गुड, अभी सारे लोगों ने म्यूट हो रखा है। एक साथ हम दोनों लोगों को मैनेज, दोनों चीजों को मैनेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप लोग मैनेज कर लो अपना पार्ट, और हमें कोशिश करना तो मैनेज करने का अपने पार्ट, ओके। बस हाथ उठा लो, कुछ अगर पूछना हो या बोलना हो तो, अदरवाइज ठीक है। अब एक बार हमें फिर से कनेक्ट करना, तो पहले
ठीक है अब क्लियर आ रहा है ठीक है चल ओके वेरी गुड सो प्रीहेंशन हो गया ओके मास्टिकेशन दिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच फीड इनटेक इज क्रस्ट एंड ये फिर फर्दर क्या होता है डिवाइड होता है बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द स्मूथ डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन डिग्लूटिशन इसको हम लोग स्वेलोइंग के नाम से भी जानते हैं स्वेलोइंग मतलब किसी भी चीज को जो भी इनटेक मटेरियल है उसको मुंह से लेके मतलब माउथ में इनटेक करना और उसके बाद उसको इसोफेगस में डाल दे ठीक है रुमिनेशन हो गई जो हम लोग पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल्स में देखते हैं क्या है ये क्या करती है एक वो जो फूड स्वेलो होती है वो दोबारा वो रूमेन में जाकर डिपॉजिट हो जाती है फिर वहां से पार्ट बाई पार्ट वो निकालता है एनिमल उसको रीच्यू उसको रीकट कहते हैं वो करता है और फिर अंदर ले जाता है ठीक है थर्स्ट थर्स्ट समझ सकते हो म्यूकस मेम्ब्रेन ये पता नहीं कहां से लाइनिंग आ रही है ना तुम लोगों को भी दिख रही है शायद कोई एक बच्चा बताओ यस सर ये पता नहीं कैसे हो रहा है अपने आप हो ही जा रहा है कहीं कुछ गड़बड़ है शायद चलो अभी ठीक है अभी हम लोग लर्निंग फेज में जस्ट इसलिए कोई नया कोर्स नहीं शुरू किया था मतलब ये वो तो एक सुबह में एक जस्ट मतलब क्या बोलो इंटरेक्शन था और इस टाइम जो है ये हम लोगों ने ऐसा कोशिश किया था कि मतलब पढ़ाई कैसे आ जाए लाइनअप पे ठीक है इसकी कोशिश की थी इसलिए हमने डाइजेस्टिव सिस्टम लिया जो ऑलरेडी पकड़ रखा है जो पढ़ रहा है तो चलो कोशिश तो कर रहा है ठीक लेकिन अभी एक नई चीज कुछ आ रही है अभी अभी अब इसको पहले एक बार सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी पता नहीं कैसे हो रहा है कोई नहीं सर ऐसे ही पढ़ लेंगे हम लोग दिख रहा है सर नहीं थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं उसको और थोड़ा सा सुधार करने का अब कुछ चीजें जो हम लोग कर सकते हैं वो जैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अनम्यूट कर सकते हैं म्यूट कर सकते हैं ठीक है अब ये लाइनिंग पता नहीं कहाँ से आ रही है यार इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है सर कोई नहीं सर दिख रहा है सर साहब चलो ठीक है वेरी गुड तो अगर इसके आगे चले तो फिर क्या है एक थर्स्ट होती है ना जिसको हम लोग प्यास लगना कहते हैं तो ये थर्स्ट क्या है मतलब दिस इज द सेंसेशन ऑफ अ म्यूकस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब अगर हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में किसी तरह की सेंसेशन हो रही है इट मींस वो कह रहा है कि हाँ मतलब इसको कुछ मॉइस्ट करो ये ड्राई हो रहा है इसके कारण क्या होता है प्यास सेंसेशन जो है हाँ स्नेहा कुछ बोल रहे हो बोलो बोलो सर एक सेंसेशन प्रोड्यूस होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ हाँ बिल्कुल फिर उसी तरह से अगर देखा जाए तो क्या है वोमिशन वोमिशन क्या है मतलब कोई भी फीड जो इनटेक हो गया है ना लेकिन मोनोगैस्ट्रिक एनिमल की बात करें तो ऐसा समझो कि पाइलोरिक और फंडस तुम्हारी दो स्फिंक्टर है तो कोई एक इंस्पेक्टर मान लो खुल गई दूसरी नहीं जा रही है अगर किसी तरह का अनवांटेड फीड मटेरियल चली गई तो क्या होगा उस कंडीशन में एग्जैक्टली क्या होगी इरिटेशन होगा सर इरिटेशन होगी कहने का मतलब है इस पिक्चर को बढ़िया से एक बार देखो थोड़ा सा देखो इसको ये पिक्चर क्लियर आ रही है यस सर यस सर ठीक है इसमें क्या दिख रहा है फंडस जो है अगर क्लियर है तो फीड इनटेक आपके डिपॉजिट हो जाएगी स्टोमक में अगर पाइलोरिक मतलब अगर किसी तरह का अनवांटेड फूड है तो वो क्या हुआ उसको आगे जाने से प्रिवेंट करेगा तो वो मतलब पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो बंद हो जाएगा
ठीक है, तो ये फीड फूड जो है वो कहाँ जाएगा वापस, फिर माउथ के थ्रू बाहर जाएगा, ठीक है, चूंकि वो अनवांटेड फीड हो गई। कुछ भी अगर उसमें थोड़े भी मैनिपुलेशन हो जाती है इनटेक फीड इनटेक में, तो वो फिर वापस बाहर की ओर आ जाएगी। लेकिन जब ये होती है तो क्या ये नॉर्मल नहीं होती है, स्पास्मोडिक, मतलब एक पेनफुल होता है, जिसको हम कहते हैं स्पास्मोडिक इजेक्शन ऑफ फीड, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो कि फॉलोइंग एक्शन, मतलब दीज वोमिशन इट कंप्राइजेस फॉर फॉलोइंग एक्शंस लाइक रिलैक्सेशन ऑफ स्टोमिक मसल्स एंड इसोफेजियल स्फिंक्टर, और ये क्या करता है पाइलोरस को क्लोज करता है, ठीक है। अगर एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये क्या करेगा, प्रेशर को बढ़ाएगा, जिसके कारण जो वॉल्यूमिनस जो फूड मटेरियल है वो एक्सपैंड करेगा चेस्ट कैविटी में, सॉरी ग्लॉटिस है वो क्लोज हो जाएगा, और ये सारे मिलकर जो प्रेशर क्रिएट करेंगे ये टुवर्ड्स, मतलब इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो खुल जाएगा और फिर ये फीड मुंह के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है, दैट इज अ वोमिशन। सलाइवा की अगर बात करें तो क्या है, क्या क्या बच्चा, एक कोई बताओ सर, ये जो लाइन है रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक, रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक मसल्स सर, तो सर दिस इज एड, तो वोमिटेशन के वक्त ये रिलैक्स रिलैक्स, नहीं नहीं ये कैसे कैसे एक्शन होगा ना, वन बाई वन स्टेप वाइज वो दे रहा है कि पहले रिलैक्स होगा स्टोमिक मसल, इसोफेगियल स्फिंक्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद क्या होगा किसी तरह का कॉन्ट्रेक्शन होगा, ठीक है, और वो लीड करेगा एब्डोमिनल प्रेशर को। अरे कुछ 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 गेट पे है तो कुछ कुछ आता रहेगा ना, क्योंकि हम इसमें बैठे हुए हैं लैपटॉप पे है, मोबाइल से पॉसिबल नहीं था इसलिए लैपटॉप पे ही हम कोशिश कर रहे हैं। अब वो लैपटॉप में ही कहीं कहीं कुछ आ रहा है, तुम लोगों को बड़ा इजी हो रहा होगा, मोबाइल पे थोड़ा सा यस लैपटॉप पे थोड़ी सी परेशानी है, मतलब इस टाइप से। खैर एनीवे, तो ये जो कॉन्ट्रेक्शन होगा एब्डोमिनल मसल में ये क्या करेगा, प्रेशर को इंक्रीज करेगा, और उसके कारण क्या होगा जो ग्लॉटिस है चेस्ट कैविटी उसको वो भी बढ़ेगा, और उसके कारण जो ग्लॉटिस है वो क्लोज हो जाएगा और इसोफेजियल स्फिंक्टर खुल जाएगा और फीड बाहर चला जाएगा, ठीक है। ओके सर, सलाइवा जो तुम्हारी हो गई, सलाइवा क्या सिंपल कह सकते हो कि सलाइवरी जूस, मतलब इट कंप्राइजेस ऑफ वेरियस कंटेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल ऑफ क्या एग्जैक्टली सर, लाइक एंजाइम, एंजाइम हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, देख सकते हो ना लिखा हुआ है, ये क्या है, पहले तो सलाइवा कलरलेस है, विसिड है, इजिली फ्रोदिंग, स्लाइटली ओपेक होती है, पीएच इसकी ऑलमोस्ट 6.8 है, एंड इट इज अल्कलाइन इन नेचर, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 है, और बेसिकली जो सलाइवा में है ये दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये मटेरियल्स क्या क्या है, ल्यूसीन है, प्रोटीन्स है, टाइलिन है, और काफी ल्यूकोसाइट्स भी होती है, एपिथेलियल सेल्स भी है, बहुत सारे के बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं, है ना। तो ये बेसिकली इनका रोल क्या है, रोल इन द सेंस जो इनमें जो भी कंपोजिशन है, जैसे अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करो तो ये क्या करता है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दोनों टाइप के होते हैं, आइसोटोनिक भी होते हैं, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, आयंस को कंट्रोल करते हैं, मतलब सोडियम, हाँ बैलेंस करते हैं, एग्जैक्टली मैंने सही मायने में एक लाइन नहीं बताओ, बैलेंस करते हैं, अगर ज्यादा एसिडिक मीडिया हो रहा है तो उसको फिर ये अल्कलाइन कर देंगे, ठीक है। प्रोटीन्स जो है ये क्या करते हैं, डिफ्रैक्शन करते हैं, जो भी मतलब अमाइलेज या किसी भी तरह के हम लोग स्टार्च या फैट ले रहे हैं तो ये क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, डाइजेशन में और फर्दर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। रेगुलेशन की बात करें तो अच्छा कुछ ज्यादा गंदा हो गया ना, यस सर बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है,
कोई नहीं एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं। ये पता नहीं यही स्क्रीन पे ही आ रही है कहीं से, कुछ थोड़ी सी ये है क्या बोलो इसको, कुछ सेटिंग में कहीं कुछ गड़बड़ी है, कहीं कुछ ऑन हो गया है, मतलब ऑन करते करते ना कुछ खुल गई है जिससे थोड़ी दिक्कत। कलर रिमूव करेंगे तो हो जाएगा। चलो हम भी एक तरह से अभी सीख ही रहे हैं, नहीं समझे? यार इतनी इजी नहीं है जितनी इजी समझ में आ रही थी। ऐसा करते हैं इस क्लास को अभी के लिए हम होल्ड करते हैं, ठीक है? थोड़ा इस पे और वर्कआउट करते हैं, इसके बाद बढ़िया से क्लास कोशिश करते हैं, या फिर सिस्टम चेंज करनी पड़ेगी हमें शायद। मतलब जो मेरा सिस्टम चल रहा है शायद ये सही से फंक्शनल नहीं हो पा रहा है, तो एक बार इसको फिर से हम चेंज करते हैं फिर किसी चीज में। तो अभी के लिए ठीक है? चलो ओके है, ओके सर, थैंक यू सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग ठीक से घर पे रहो, घर पे ठीक से रहना बस। यस सर, यस सर, आप भी ठीक से रहिए। चलो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, स्टे सेफ, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गो कोरोना गो।